हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है ट्रैवल फ्रीक वीडियोस में। आज हम लोग जहां जा रहे हैं ये जगह है लेक्सिंगटन कॉमन्स। इसको लेक्सिंगटन बैटल ग्रीन भी कहा जाता है। लेक्सिंगटन जो है ये मैसाचुसेट्स में मिडिलसेक्स काउंटी में एक सिटी है, वन ऑफ द मेन सिटीज इन दिस एरिया, न्यू इंग्लैंड जिसको कहते हैं। बॉस्टन से अराउंड 14-15 माइल्स के डिस्टेंस में है। हिस्टोरिकली लेक्सिंगटन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यहीं पर अमेरिकन रिवॉल्यूशन वॉर जो है वो स्टार्ट हुआ था। सो जो फर्स्ट बैटल है बिटवीन द ब्रिटिश सोल्जर और अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी फोर्स, ये लेक्सिंगटन में ही हुआ था। और जिस जगह पे एग्जैक्टली ये बैटल हुआ था जिसको बैटल ऑफ लेक्सिंगटन एंड कॉनकॉर्ड कहते हैं, हम लोग आज वहीं पर जा रहे हैं। वही एक हिस्टोरिक साइट है। कॉनकॉर्ड सिटी जो है वो भी लेक्सिंगटन के पास ही है। सो इस बैटल को बैटल ऑफ लेक्सिंगटन एंड कॉनकॉर्ड कहा जाता है, जो इस पर्टिकुलर जगह पे हुआ था। इसमें ब्रिटिश सोल्जर्स को काफी लॉस हुआ था एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर स्टार्टिंग विक्ट्री फॉर द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। सो वहां अभी हम जाएंगे, वहां पर देखेंगे कि क्या क्या है, क्या क्या इनका मॉन्यूमेंट्स वगैरह वहां पर बना के रखा है, और वहां का पूरा टूर आप लोगों को कराते हैं। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, अब हम जर्नी स्टार्ट करते हैं। यही है लेक्सिंगटन बैटल ग्रीन या बैटल ग्राउंड या फिर लेक्सिंगटन कॉमन्स, जिस नाम से भी इसको बुला लें। सो दिस इज़ द प्लेस जहां पर फर्स्ट अमेरिकन रिवॉल्यूशनरी वॉर स्टार्ट हुआ था। हम लोग अभी उसी जगह पे खड़े हैं। ये सिंगल ग्राउंड नहीं है, बीच में से रोड है, कुछ पोर्शन उधर है, कुछ पोर्शन इधर है। उधर जो पोर्शन है उसमें जो फेमस एक सोल्जर का स्टैचू है वो उस साइड में है जो अभी हम देख के आ रहे हैं, और इस पोर्शन में है विजिटर सेंटर हमारे सामने। और चारों तरफ ग्रीन फील्ड तो है ही है, बैटल ग्रीन इसीलिए नाम है। बैठने के लिए जगह कर दिया है, चारों तरफ वुडन बेंचेस हैं बैठने के लिए, तो काफ़ी अच्छा रास्टिक सा लुक है। एंड सामने ही रेस्टोरेंट्स वगैरह भी थोड़ी दूर में है वॉकिंग डिस्टेंस में। सो यहाँ से सब कुछ देख के कुछ अगर स्नैक्स लेना हो वहाँ से लेके चल सकते हैं। सो हम लोग अब एक एक करके देखते हैं विजिटर सेंटर के अंदर जाते हैं वहाँ पर क्या है, और भी जो तीन चार अलग अलग पॉइंट है बैटल ग्रीन्स के अंदर उसको भी हम लोग एक एक करके देखते हैं। सो ओवरऑल बहुत अच्छा है, चारों तरफ ग्रीनरी है, एंड एक एक करके अब एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या है।
सो विजिटर सेंटर देख के अब हम आगे चल रहे हैं और आगे देखते हैं क्या क्या है। हम लोगों को जैसे एक सेल्फ गाइडेड पेज दे दिया गया है, उसमें अलग अलग पॉइंट्स के बारे में लिखा हुआ है कौन सा क्या है। सो जितने मॉन्यूमेंट्स हैं ये बैटल ग्रीन्स में उनका, सो एक एक करके देखते हैं कैसा है। एक पीछे की तरफ जा रहे हैं, ये कोई पॉइंट है, सो पता नहीं एग्जैक्टली क्या है लेकिन जाके देख सकते हैं। हाँ, इतना सुंदर फ्लावर हुआ है, कलरफुल, ये सब चारों तरफ है। अगेन आपको एक बार दिखा देता हूँ, पूरा बैटल ग्रीन्स यहाँ से दिख रहा है, बहुत ही शानदार नज़ारा है। चलते हैं आगे की तरफ। हम लोगों का दूसरा पॉइंट विजिटर सेंटर के बाद और कैप्टन पार्कर के स्टैचू के बाद दूसरा क्या है देखते हैं। इनका गाइडेड टूर भी होता है लेकिन 2:30 को ख़त्म हो जाता है गाइडेड टूर। हम लोग आए हैं, अब लगभग 4 बज गया है, सो किसी और दिन वो कर सकते हैं आके। ये एक पॉइंट है लेक्सिंगटन कॉमन्स में देखने के लिए। सो देखते हैं क्या है। ये एक चर्च जैसा दिख रहा है। हाँ, ये है चर्च, अब दिख गया हमें सामने, ये लिखा हुआ है द चर्च ऑफ आवर रिडीमर, इसका नाम है। उसके बगल में ब्लैक लाइव्स मैटर का एक बैनर लगा दिया है जो मूवमेंट कुछ दिन पहले यहाँ पर हुआ था। अच्छा, नीचे चाइनीज में भी लिखा हुआ है, कोरियन तालिता कोम कोरियन प्रेस्बिटेरियन चर्च। अच्छा, ये प्रेस्बिटेरियन चर्च है, क्रिश्चियन कम्युनिटी में प्रेस्बिटेरियन एक पर्टिकुलर सेक्ट है। सो ये है चर्च। इसके बगल में से एक बाइक ट्रेल जैसा है जा रहा है अंदर। ये है चर्च, चर्च के सामने ही ग्रीन ग्रास है और ये उसके सामने रोड है। और ये देखिए, ये जो आजकल कलरफुल फ्लावर चारों तरफ दिख रहा है, उसमें ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पर फ्लावर्स दिख रहा है, पर्पल कलर का, पिंक कलर का। ट्यूलिप फ्लावर भी दिखाते हैं आपको, ये देखिए कितना अच्छा ट्यूलिप फ्लावर है। ये डैफोडिल है। अच्छा, ये डैफोडिल, ये डैफोडिल है और ये ट्यूलिप है, लेकिन अच्छा लैवेंडर कौन सा है? पर्पल वाला। अच्छा वो, अच्छा अच्छा, हाँ पर्पल, वो थोड़ा दूर है, मुझे नहीं लगता। हाँ ये सब सही है, पास में जहाँ पर है वहाँ दिखाते हैं। चलो अच्छा, यहाँ भी काफ़ी जो है फ्लावर्स है वैसे। हाँ, ये जो है देखिए, हाँ ये जो है देखिए, खाली फ्लावर्स ही फ्लावर्स है, कोई पत्ता नहीं है, लीव्स नहीं है। हाँ, तो ये चर्च का बैक साइड है। हाँ, ये ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कोई पेंट करके एक फोटो बना दिया है, पिक्चर बना दिया है। घूमते घूमते हम लोगों को भूख लग गया था और सामने ही इंडियन रेस्टोरेंट है, रॉयल इंडिया बिस्ट्रो, लेक्सिंगटन कॉमन के जस्ट बगल में है। सो अभी हम वहाँ जा रहे हैं और एक क्विक लंच कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो बाकी पार्ट अभी हमने देखा नहीं है वो पार्ट देखेंगे। सो रेस्टोरेंट में चलते हैं, देखते हैं वहाँ कैसा खाना मिलता है, क्या रहता है। और थोड़ा सा हम लोगों का लेट लंच होगा क्योंकि ऑलमोस्ट 4:30 बज चुका है। लंच करने के बाद हम लोग फिर अपना घूमना स्टार्ट करेंगे। सो आ गए हैं लंच करने। हमने ज़्यादा आइटम नहीं लिया है, हमने लिया है चिकन टिक्का, एक पनीर बटर मसाला लिया है और साथ में राइस और नान।
यहाँ पर एक चीज़ है कि आप कोई भी मेन डिश लेते हैं, जैसे पनीर लिया है हमने, तो उसके साथ राइस कॉम्प्लीमेंटरी आता है, बाकी आइटम आपको अलग से लेना पड़ता है। और यहाँ पर एक और आइटम जो अच्छा है वो है इनका मैंगो लस्सी। मैंगो लस्सी हमने यहाँ पर दूसरी जगह भी ट्राई किया है, ये एक कॉमन फेवरेट आइटम है, यहाँ मोस्टली इंडियन रेस्टोरेंट्स में मिलता है। इनका खाना ओवरऑल हमें बहुत ही अच्छा लगा, एग्जैक्ट लेवल ऑफ स्पाइस, एग्जैक्ट गुड टेस्ट ऑफ इंडियन फूड। वी आर ओवरऑल वेरी सेटिस्फाइड। और सबसे बड़ी बात है इनका लोकेशन, ये लोग एकदम लेक्सिंगटन कॉमन के बगल में है, आप घूमते घूमते बीच में आके यहाँ पर खाना खा के फिर से अपना घूमना रिज्यूम कर सकते हैं, तो ये सबसे बड़ी एडवांटेज है, अलग से कहीं जाके आपको गाड़ी पार्क करके आना नहीं पड़ता है। ये एक और पॉइंट की तरफ हम जा रहे हैं, ये है बकमैन टैवर्न। टैवर्न का मतलब है जो ओल्ड डेज में बार होता था उसको टैवर्न कहते थे। ये एक टैवर्न है, ऑफ कोर्स अभी फंक्शनल नहीं होगा, हिस्टोरिकली कभी ऑपरेशनल होगा। और ये म्यूजियम शॉप लिखा हुआ है बट फिलहाल क्लोज्ड दिख रहा है, या तो ये क्लोज्ड ही रहता है या फिर आज थोड़ा सा हम लोगों को लेट हो गया इस वजह से क्लोज्ड है, ये भी हो सकता है। ये है मेन बिल्डिंग, इसके सामने जाके देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है हेडक्वार्टर्स लेक्सिंगटन मिनिटमैन 1775। हमने जो विजिटर सेंटर है वहाँ पर एक लेडी से हमने बात किया और उन्होंने हमें काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन कर दिया कि मिनिटमैन का मतलब है जो फ्रीडम फाइटर्स थे अमेरिका के, रिवॉल्यूशनरी वॉर जिन्होंने स्टार्ट किया था, उनको मिनिटमैन कहते हैं और यहाँ पर काफ़ी चीज़ इसीलिए मिनिटमैन के नाम से जाना जाता है। तो ये उनका एक हेडक्वार्टर था जहाँ से प्रोबेबली आगे का जो रिवॉल्यूशनरी फाइट है वो कंट्रोल किया जाता था। ये वो बिल्डिंग है। और अब हम जा रहे हैं रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ जहाँ पर और भी ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे एक लेक्सिंगटन मॉन्यूमेंट है, ये दूसरी तरफ है, ये देखिए सामने दिख रहा है। हम लोगों को रोड थोड़ा सा क्रॉस करना पड़ेगा, उधर जाके देखेंगे। और एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ जो मेन कैप्टन पार्कर का स्टैचू है, थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मेन कैप्टन पार्कर का स्टैचू है। कैप्टन पार्कर वो हैं जो यहाँ का फाइट जिन्होंने लीड किया था, जो मिनिटमैन फाइटर्स हैं उनके जो लीडर थे वो थे कैप्टन पार्कर, और ब्रिटिश फोर्सेस के साथ जिनका फाइट हुआ था। अभी जा रहे हैं लेक्सिंगटन मॉन्यूमेंट की तरफ, देखिए पीछे पार्कर साहब है मेरे, कैप्टन पार्कर का स्टैचू पीछे छोड़ के आए हैं, अब जा रहे हैं लेक्सिंगटन मॉन्यूमेंट की तरफ। ओवरऑल अच्छी जगह है टाइम स्पेंड करने के लिए, और यही जो जगह है यहाँ पर 15th और 16th अप्रैल को एक परेड टाइप का होता है, जिसमें परेड नहीं कहूँगा, उसमें जो बैटल ऑफ लेक्सिंगटन एंड कॉनकॉर्ड है उसको इनेक्ट किया जाता है, जो अभी के यहाँ के जो लोग हैं और मे भी थोड़े आसपास के लोग भी हो सकते हैं उसमें आते हो, और प्रॉपर ड्रेसअप करके सेम बैटल को यहाँ पर इनेक्ट करते हैं इसी ग्राउंड पे, और इसको देखने के लिए बहुत लोग आते हैं। इस बार हम लोगों का मिस हो गया, बट वहाँ एक बार उसको देखने का हमारा मन है, अगले साल ज़रूर हम आके देखेंगे।
ये है फर्स्ट पेरिश चर्च, ये भी लेक्सिंगटन कॉमन के कॉर्नर में है। एक चर्च हमने पहले देखा था, ये एक दूसरा चर्च है। सो लेक्सिंगटन कॉमन में दो चर्च है, एक हमने पहले देखा, ये दूसरा है। और ये लेक्सिंगटन कॉमन का बाउंड्री है एक तरह से, जिसमें आपको रोड दिख रहा है। सो गाइज, इसी के साथ हम लोगों का लेक्सिंगटन कॉमन का टूर ख़त्म होता है, एटलीस्ट आज के लिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सजेशन दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइमलाइन में शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोग ऐसे वीडियोज़ का मज़ा ले सकें। और हम लोग भी कोशिश करेंगे जितना हो सके इस टाइप का वीडियो बना के आपके साथ शेयर करने का। थैंक यू।